हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स गुरुजी यूट्यूब चैनल। सुपर स्मैश 2018-19 में मैच नंबर 14 कल खेला जाने वाला है सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट वर्सेस ओटागो वोल्ट्स के बीच में। दोनों टीमों ने स्क्वाड अनाउंस कर दिया, अच्छे खासे चेंजेस हैं दोनों टीमों में, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में भी और ओटागो वोल्ट में भी। तो एंड तक वीडियो को आपने देखना है, मिस नहीं करना है, बहुत कुछ मिस कर सकते हो अगर वाली वीडियो मिस करोगे। तो शुरू करते हैं। अगर हम देखें तो अब से कुछ दिन पहले ही एक मैच होना था इन दोनों टीमों का, जो कि होना था ओटागो के होम ग्राउंड पर, जो कि है यूनिवर्सिटी ओवल डनीडन। यहाँ पर वो मैच होना था पर बारिश के कारण वॉश आउट हो गया था वो मैच। अब जो नेक्स्ट फिक्सचर है वो रहा कल का मैच जिसमें जो कि मैकलीन पार्क नेपियर पर होना है, जो कि सेकेंड होम ग्राउंड है सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का। तो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का आप बोल सकते हो सेकेंड होम है, पहला जो उनका होम है वो पकुकेरा पार्क रहा है न्यू माउथ पे, तो वही इनका होम ग्राउंड है। पर अगर हम देखें सेकंड होम तो वो मैकलीन पार्क है, क्योंकि यहाँ पे 3 मैचेस अब इनके होने हैं। पहला ये मैच है यहाँ पर, आपके सामने है ग्राउंड, यहाँ पर रग्बी भी खेला जाता है, बैटिंग फ्रेंडली पिच मानी जाती है, और एक लौता T20 इंटरनेशनल मैच यहाँ पर हुआ है जिसमें 141 रन बांग्लादेश ने करे थे, 143 रन चेस कर लिए थे न्यूजीलैंड ने। बाकी कोई इन्फॉर्मेशन निकल के आ नहीं रही है, क्योंकि लास्ट ईयर भी कोई मैच नहीं हुआ और यहाँ पर इस साल का भी ये पहला ही मैच है, तो ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन निकल के आ नहीं रही है। वेदर पार्टली क्लाउडी रहने वाला है, बारिश वारिश नहीं होगी। मैं चलता हूँ सीधा स्क्वाड की तरफ। दो स्क्वाड में दो बड़े नाम नज़र आ रहे होंगे आपको यहाँ पे। डग ब्रेसवेल तो खैर पहले ही चले गए थे, वनडे सीरीज़ वो खेल रहे थे पहले श्रीलंका के अगेंस्ट, पर जो बड़ा नाम है वो सेथ रेंस का है। सेथ रेंस एक अच्छे बॉलर थे, थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेते थे, तो ये जो दो बड़े नाम तो यहाँ से गए हुए हैं। और ओटागो वोल्ट में भी बहुत बड़े नाम गए हैं, तो उसकी बात भी एक बार करेंगे। मैं सीधा प्लेइंग 11 बताता हूँ पहले, यहाँ से क्या प्लेइंग 11 होगी। वर्कर, डेन क्लीवर जो है वो ओपन करेंगे, डेन क्लीवर विकेट कीपिंग भी करेंगे इनके। फिर नंबर 3 पे विलियम आएंगे, नंबर 4 पे हैं टॉम ब्रूस, नंबर 5 पे जॉश क्लर्कसन है, नंबर 6 पे किरण नोइमा बार्नेट है, फिर नंबर 7 पे विलियम लूडिक है, नंबर 8 पे व्हीलर खेलेंगे, 9 पे आप देख सकते हो एजाज पटेल है, टेस्ट मैच खेल रहे थे ये, अब सीधा टीम के अंदर वापस आए, बहुत अच्छे स्पिनर है, विकेट टेकर बॉलर है, बैटिंग भी थोड़ी बहुत कर लेते हैं। डीन फॉक्सक्रॉफ्ट है, फिर आप देख सकते हो यहाँ से ब्लेयर टिकनर है, ये भी बहुत अच्छे बॉलर है। तो ये रहने वाले इनकी प्लेइंग 11। क्रिश्चियन लियोपर्ड को भी इन्होंने स्क्वाड में अनाउंस किया हुआ, तो इनको भी मौका मिल जरूर सकता है टीम में आने का। तो ये इनकी प्लेइंग 11 हो सकती है। देखो कोई भी खेल सकता है, जैसे कि आज सुबह भी हमें थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड सा हुआ, किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा वो कि नॉर्दर्न नाइट्स के कैप्टन ही बाहर बैठ गए, जो कि डीन ब्राउनली थे। किसी को भी कोई न्यूज़ नहीं थी अब तक, शायद कोई इंजरी कंसर्न था या पता नहीं क्या था, कुछ कह नहीं सकते, पर वो बाहर बैठे, उनकी जगह नील वैगनर खेल गए। 12 मैन का उन्होंने भी स्क्वाड अनाउंस किया था और कोई 11 प्लेयर्स उनमें से खेलने थे वही खेले। तो अब देख सकते हो कुछ भी हो सकता है, टीम मैनेजमेंट के हाथ में सब कुछ रहता है। अब मैं आगे लेकर के चलता हूँ आपको ओटागो वोल्ट्स की तरफ। तो ओटागो वोल्ट्स में जो दो बड़े नाम नज़र आ रहे हैं वो आ रहे हैं नील ब्रूम का एक बड़ा नाम नज़र आ रहा है, वो इंजर्ड हो चुके हैं तो वो स्क्वाड से बाहर हैं। और जो दूसरा नाम आ रहा है वो है क्रिस्टी विलियन। तो क्रिस्टी विलियन जो है वो भी स्क्वाड के अंदर आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे, वो भी नहीं खेलते हुए नजर आएंगे। अब जो दो इनकी रिप्लेसमेंट एक तरह से अगर मैं बोलूँ तो नील ब्रूम की जगह सीधा लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट भी आप कह सकते हो ब्रैड विल्सन का है। ब्रैड विल्सन आएंगे सीधा सीधा ओपन करने के लिए। और एक नए प्लेयर अगर हम देखें तो बेन रेन, जो कि लेस्टेशर काउंटी से खेलते हैं। अगर आपने फॉलो करा होगा वाइटेलिटी T20 ब्लास्ट या फिर रॉयल अंडर वनडे कप, तो आपको पता होगा कितना अच्छा ये बेन रेन खेल सकते हैं। और इनके पास एक और काउंटी के प्लेयर हैं जो कि बेन कॉक्स हैं, जो कि खेलते हैं वोस्टेशर से। तो अब चलते हैं, मैं प्लेइंग 11 बता देता हूँ क्या होने वाली है। रदरफोर्ड विल्सन ओपन करेंगे, नंबर 3 पर नारू किचन आएंगे, नंबर 4 पर शॉन हिक्स आएंगे, नंबर 5 पर आएंगे इनके बेन कॉक्स, फिर नंबर 6 पर जॉश फीनी आएंगे, नंबर 7 पर बेन रेन आ सकते हैं, फिर माइकल रिपन है, नेथन स्मिथ है, जेकम डफी है, मैथ्यू बेकन है और जेक हंटर हैं। इन दोनों में से कोई ये खेल सकता है, बाकी मेरे हिसाब से ये 10 खेलते हुए नजर आएंगे। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला था कि टीम मैनेजमेंट के हाथ में कौन से 11 प्लेयर्स खेलेंगे इन 12 में से, तो वो हो कोई भी सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की तरफ मैं आपको लेकर चलूँ तो जॉर्ज वर्कर बहुत बड़ा नाम है डोमेस्टिक में, और खासतौर से सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का एक बहुत बड़ा सितारा ये है जॉर्ज वर्कर। ज़बरदस्त ये प्लेयर है, क्योंकि गप्टिल और मनरू जैसे ओपनर हैं न्यूजीलैंड के पास, इसलिए जॉर्ज वर्कर को मौका नहीं मिल पा रहा है, वरना ये प्लेयर बहुत ज़बरदस्त है। कल के मैच में एक बड़ा स्कोर इनकी तरफ से आ सकता है, क्योंकि अभी तक ये फ्लॉप रहे हैं। अनारू किचन नंबर 2 पे मैंने इसे लिखा है इंपॉर्टेंट प्लेयर में, क्योंकि नंबर 3 पे खेलने आ रहा है, बहुत अच्छी बैटिंग बॉलिंग दोनों कर रहे हैं। रदरफोर्ड अगर थोड़ी देर टिक गए ये भी बहुत कुछ कर सकते हैं। बेन व्हीलर भी बहुत ज़बरदस्त प्लेयर हैं, विकेट निकालते हैं और बैटिंग में 10-12 बॉलें मिल गई तो 25-30 रन कर सकते हैं, इतना इनके अंदर कैपेबिलिटी है। ग्रैंड लीग के लिए जो ऑप्शन मैं बताऊँ तो बेन कॉक्स हैं, बेन रेन है, विल यंग है, शॉन हिक्स है, पाँचवा या पहला भी आप कह सकते हो एक ऑप्शन जरूर डाल देना, वो है ब्रैड विल्सन का, जो कि ओपन करने वाले हैं मेरे हिसाब से। अनारू किचन भी कर सकते हैं वैसे ओपन, क्योंकि पहले भी T20 में किचन कर चुके हैं ओपनिंग, पर क्योंकि नंबर 3 बहुत अच्छा खेल रहा है इसलिए विल्सन ही ओपन करते हुए नजर आएंगे नील ब्रूम की जगह।
तो यहाँ पे पांचवा आप डाल सकते हो ब्रैड विल्सन का, जो कि एक ऑप्शन बहुत अच्छा हो सकता है आपके लिए ग्रैंड लीग के लिए। अब चलते हैं सीधा ड्रीम इलेवन टीम की तरफ। तो ड्रीम इलेवन टीम की तरफ अगर मैं आपको लेकर चलूँ तो डेन क्लीवर को मैंने लिया हुआ है। यहाँ से आप बेन कॉक्स ले सकते हो, बहुत अच्छी हिटिंग ये नीचे करके कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था ये वोस्टरशायर से खेलते हुए नज़र आते थे आपको, तो यहाँ से डेन क्लीवर को मैंने लिया हुआ है, अच्छा ऑप्शन ये रहेगा। चार जो बैट्समैन मैंने लिए हैं वो है हैमिश रदरफोर्ड, अभी बताया तो कौन कौन नहीं खेलेगा यहाँ पर भी एक बार, रॉस टेलर को भी नहीं लेना है आपको, ना ही आपको लेना है नील ब्रूम को, ना ही आपको लेना है यहाँ से जेसी राइडर को। फॉक्सक्रॉफ्ट की तरफ आप जा सकते हो। यहाँ से अगर हम देखें तो डॉन टॉम ब्रूस हैं, पहले ही मैच में उन्होंने एक तरफा अपनी टीम को अकेले दम पे मैच जिता के दिखाया। जॉश क्लर्कसन आप ले सकते हो, जॉश फिनी ऑप्शन है, शॉन हिग्स भी बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा। टॉम बेंटन नहीं है स्क्वाड में, ना ही ग्रेग हे है। और यहाँ से नीचे से मैंने जो लिए हैं वो हैं विल यंग और ब्रैड विल्सन, दोनों टॉप ऑर्डर के बैट्समैन हैं। ब्रैड विल्सन ओपन करेंगे, विल यंग नंबर तीन पर आते हैं, बेन स्मिथ नहीं खेलेंगे, और यहाँ से क्रिश्चियन लियोपर्ड को स्क्वाड में अनाउंस किया गया तो उनको मौका मिल सकता है। अब जो तीन मैंने ऑलराउंडर लिए हैं वो है माइकल रिपन, जॉर्ज वर्कर और अनारू किचन को मैंने लिया हुआ। यहाँ से डग ब्रेसवेल आपको नहीं लेना है, किरण नोइमा बार्नेट स्क्वाड में है, मार्क क्रेग नहीं है, ये तो है, नेथन स्मिथ है, थोड़ा नीचे बैटिंग करने आते हैं। बेन रेन जैसे कि मैंने बोला ये इस प्लेयर के पास नजर डाल सकते हो। देखो मैं बोलूँगा बेन रेन को एक तरफ एक बार अगर हम देखें तो 3% 3 से 4% लोगों ने इनको लिया हुआ है। और यहाँ से अगर मैं आपको बोलूँ ब्रैड विल्सन, तो ब्रैड विल्सन को भी सिर्फ यहाँ पर आप देख सकते हो 3% लोगों ने ही लिया होगा अप्रॉक्सीमेटली। तो इनका कॉम्बिनेशन आप दोनों का बना सकते हो, अगर दोनों कल चल जाते हैं तो बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे कि कल भी मैंने बोला था कल वाली वीडियो में, एंड्रू इल्स बहुत ज़बरदस्त खेल सकते हैं, चैड बोज ने भी बहुत अच्छा खेला। मैंने दोनों को दोनों ग्रैंड लीग के लिए ऑप्शन दे दिया क्योंकि ज़्यादा लोगों ने उनको लिया नहीं था, और एंड्रू इल्स ने विकटें भी निकाली और रन भी करे थे आज के मैच में। तो ये आप देख सकते हो, इन पे थोड़ा सा ध्यान दिया करो ग्रैंड लीग अगर आप खेलते हो, स्मॉल लीग खेलते हो तो आपके ऊपर आराम से आप टीम बना सकते हो, सेफ टीम। तो ये कुछ ऑप्शन से यहाँ से आप जा सकते हो रिपन की जगह बेन रेन की तरफ, ये अच्छा ऑप्शन रहेगा मैं ये बोलूँगा। अब यहाँ से जो तीन मैंने बॉलर लिए हैं वो हैं जेकब डफी को मैंने लिया हुआ है, सेथ रेंस को आपको नहीं लेना है, एडम मिलने को नहीं लेना है, मैथ्यू बेकन स्क्वाड में है, यहाँ से क्रिस्टी विलियन जो कि मैं बोल रहा था ये जो मेन प्लेयर है, बहुत विकेट इन्होंने ली देख सकते हो आप, ये नहीं खेलने वाले हैं इस मैच में, 79% लोगों ने लिया हुआ है स्क्वाड में, तो ये अनाउंस नहीं हुए हुए तो ये नहीं खेलते हुए आपको नज़र आएंगे। अब नीचे से जो मैंने बॉलर लिए हैं वो है बेन व्हीलर और एजाज पटेल को मैंने लिया हुआ है। अब चाहो तो ब्लेयर टिकनर को ले सकते हो, फ्लिक्स मरे भी ऑप्शन आपके पास रहेंगे, इनकी तरफ आप जा सकते हो। तो ये कुछ ऑप्शंस आपके पास रहने वाले हैं, टिकनर और एजाज पटेल को तो हमने लिया ही हुआ है। अब कैप्टन वाइस कैप्टन करते हैं, जेक हंटर को भी स्क्वाड के अंदर उन्होंने अनाउंस किया, ओटागो ने, इनको भी मौका मिल सकता है। अब नेक्स्ट करके कैप्टन वाइस कैप्टन अगर हम देखें तो जॉर्ज वर्कर को कैप्टन बना रहा हूँ, वाइस कैप्टन में बना रहा हूँ अनारू किचन को। अब ऑप्शन सेव देख लो आराम से, सबसे बढ़िया ऑप्शन अगर मैं बोलूँ तो रदरफोर्ड है, थोड़ी देर भी खेल के गेम चेंज कर सकते हैं। टॉम ब्रूस बहुत अच्छा ऑप्शन है, ये चार जो मैंने ऑप्शन दिए हैं ये एक तरह से सेफ ऑप्शन आपके लिए हो सकते हैं। ऐसा भी कर सकते हो कि किचन को कैप्टन कर सकते हो, वाइस कैप्टन वर्कर को कर सकते हो, या डेन क्लीवर के पास भी जा सकते हो थोड़ा सा चेंज करना चाहो तो, क्योंकि ओपन करने वाला ये प्लेयर है। तो इतना ही था इस वीडियो में, होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी, लाइक का बटन दबा देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।